Chinese side needs to reflect and think about its own breach. India exercises with whomsoever it chooses to, and it does not give a veto to third countries on this issue. These exercises that are going on with the US, I think in Oli, these have nothing to do with the 1993 and 1997. सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है, उसको लेकर के चीन ने जो विरोध किया है उस पर है। चीन ने ये कहा है अपने विरोध में कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए जो भारत और चीन के बीच में एग्रीमेंट्स हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स 1993 और 1996 का, उसका वायलेशन है। उस पर विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया? एक्सरसाइजेस दैट आर गोइंग ऑन विद द यूएस आई थिंक इन ओली, दीज हैव नथिंग टू डू विद द 1993 एंड 1996 एग्रीमेंट्स दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। But since these were raised and we're talking about them and it was raised by the Chinese side, let me emphasize that the Chinese side needs to reflect and think about its own breach of these agreements of 1993 and 1996. India exercises with whomsoever it chooses to, and it does not give a veto to third countries on this issue. हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है पेंटागन की तरफ से, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें जिक्र है कि जो भारत चीन के रिश्तों को लेकर उनको चीन की तरफ से थ्रेट किया गया है कि इन संबंधों को लेकर ना बोलें, उसको लेकर भारत किस तरह से लेता है क्या? हमारा जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ, उसमें हम किसी को नहीं वीटो दे रहे हैं। तो हम जिसके साथ एक्सरसाइज करना चाहेंगे या उस तरह की चीजें हम उनसे करेंगे, तो इसमें इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा।
हम कंडीशन देखते हैं एक पेशेंट की कि कैसी है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको थोड़ा डिले ट्रीटमेंट चाहिए या उसको एक मिनिमल ट्रीटमेंट चाहिए, इस हिसाब से हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज करने के बाद हम ऑन स्क्रीन को ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास एक पीछे मेडिकल एड पोस्ट रेडी है, जहाँ पे हमारे पास बेसिक जो भी नेसेसिटीज हैं, जो भी जरूरतें हैं उनको एक स्टेबलाइज करने के लिए पेशेंट को, वो हमारे पास सब कुछ मौजूद है। यहाँ से हम पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं जो नियर बाय फील्ड हॉस्पिटल है, जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर इस्टेब्लिश किया गया है, वहाँ पे हम यहाँ से पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं थ्रू एम्बुलेंस।